आहोत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मन की बात मध्ये। हमारे सैनिकों ने ऊंची ऊंची पहाड़ की चोटियों पर, देश की सीमाओं पर और बीच समंदर में तिरंगा फहराया। लोगों ने तिरंगा अभियान के लिए अलग अलग इनोवेटिव आइडियाज भी निकाले। जैसे युवा साथी कृष्णिल अनिल जी ने, अनिल जी एक पजल आर्टिस्ट हैं और उन्होंने रिकॉर्ड समय में खूबसूरत तिरंगा मोजेक आर्ट तैयार की है। कर्नाटका के कोलार में लोगों ने 630 फीट लंबा और 205 फीट चौड़ा तिरंगा पकड़कर अनूठा दृश्य प्रस्तुत किया। असम में सरकारी कर्मियों ने दिधाली पुखरी वार मेमोरियल में तिरंगा फहराने के लिए अपने हाथों से 20 फीट का तिरंगा बनाया। इसी तरह इंदौर में लोगों ने ह्यूमन चेन के जरिए भारत का नक्शा बनाया। चंडीगढ़ में युवाओं ने विशाल ह्यूमन तिरंगा बनाया। ये दोनों ही प्रयास ग्रीनिज रिकॉर्ड में भी दर्ज किए गए हैं। इस सब के बीच हिमाचल प्रदेश की गंगोट पंचायत से एक बड़ा प्रेरणादायी उदाहरण भी देखने को मिला। यहाँ पंचायत में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में प्रवासी मजदूरों के बच्चों को मुख्य अतिथि के रूप में शामिल किया गया। साथियों, अमृत महोत्सव के ये रंग केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी देखने को मिले। बोत्सवाना में वहां के रहने वाले स्थानीय सिंगर्स ने भारत की आजादी के 75 साल मनाने के लिए देशभक्ति के 75 गीत गाए। इसमें और भी खास बात यह है कि 75 गीत हिंदी, पंजाबी, गुजराती, बांग्ला, असमिया, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और संस्कृत जैसी भाषाओं में गाए गए। इसी तरह नामीबिया ने भारत नामीबिया के सांस्कृतिक पारंपरिक संबंधों पर विशेष स्टैम्प जारी किया है। साथियों, मैं और एक खुशी की बात बताना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पहले मुझे भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के कार्यक्रम में जाने का अवसर मिला। वहां उन्होंने स्वराज दूरदर्शन की सीरियल का स्क्रीनिंग रखा था। मुझे उसके प्रीमियर में जाने का मौका मिला। ये आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेने वाले अनसुने नायक नायिकाओं के प्रयासों से देश की युवा पीढ़ी को परिचित कराने की एक बेहतरीन पहल है। दूरदर्शन पर हर रविवार रात 9 बजे इसका प्रसारण होता है और मुझे बताया गया कि 75 सप्ताह तक चलने वाला है। मेरा आग्रह है कि आप समय निकालकर इसे खुद भी देखें और अपने घर के बच्चों को भी जरूर दिखाएं। और स्कूल कॉलेज के लोग तो इसको रिकॉर्डिंग करके जब सोमवार को स्कूल कॉलेज खुलते हैं तो विशेष कार्यक्रम की रचना भी कर सकते हैं, ताकि आजादी के जंग के इन महानायकों के प्रति हमारे देश में एक नई जागरूकता पैदा होगी। आजादी का अमृत महोत्सव अगले साल यानी अगस्त 2023 तक चलेगा। देश के लिए, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जो लेखन आयोजन आदि हम कर रहे थे, हमें उन्हें और आगे बढ़ाना है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे पूर्वजों का ज्ञान, हमारे पूर्वजों की दीर्घ दृष्टि और हमारे पूर्वजों का एकात्म चिंतन आज भी कितना महत्वपूर्ण है, जब उसकी गहराई में जाते हैं तो हम आश्चर्य से भर जाते हैं। हजारों साल पुराना हमारा ऋग्वेद, ऋग्वेद में कहा गया है, ओमान मापो मानुषी अमृतम धात तोकाय तनयाय संयो हो युयम हिष्ठा भीषजो मातृ तमा विश्वस्य स्थातु जगतो जनित्री ही। अर्थात हे जल, आप मानवता के परम मित्र हैं, आप जीवनदायिनी हैं,
आपसे ही अन्न उत्पन्न होता है और आपसे ही हमारी संतानों का हित होता है। आप हमें सुरक्षा प्रदान करने वाले हैं और सभी बुराइयों से दूर रखते हैं। आप सबसे उत्तम औषधि हैं और आप ही इस ब्रह्मांड के पालनहार हैं। सोचिए, हमारी संस्कृति में हजारों वर्ष पहले जल और जल संरक्षण का महत्व समझाया गया है। जब ये ज्ञान हम आज के संदर्भ में देखते हैं तो रोमांचित हो उठते हैं, लेकिन जब इसी ज्ञान को देश अपने सामर्थ्य के रूप में स्वीकारता है तो उनकी ताकत अनेक गुना बढ़ जाती है। आपको याद होगा, मन की बात में ही 4 महीने पहले मैंने अमृत सरोवर की बात की थी। उसके बाद अलग अलग जिलों में स्थानीय प्रशासन जुटा, स्वयंसेवी संस्थाएं जुटी और स्थानीय लोग जुटे। देखते ही देखते अमृत सरोवर का निर्माण एक जन आंदोलन बन गया है। जब देश के लिए कुछ करने की भावना हो, अपने कर्तव्यों का एहसास हो, आने वाली पीढ़ियों की चिंता हो, तो सामर्थ्य भी जुड़ता है और संकल्प नेक बन जाता है। मुझे तेलंगाना के वारंगल के एक शानदार प्रयास की जानकारी मिली है। यहां एक नई ग्राम पंचायत का गठन हुआ है जिसका नाम है मंगत्या वाल्या थांडा। यह गांव फॉरेस्ट एरिया के करीब है। यहां के गांव के पास ही एक ऐसा स्थान था जहां मानसून के दौरान काफी पानी इकट्ठा हो जाता था। गांव वालों की पहल पर अब इस स्थान को अमृत सरोवर अभियान के तहत विकसित किया जा रहा है। इस बार मानसून के दौरान हुई बारिश में ये सरोवर पानी से लबालब भर गया है। मैं मध्य प्रदेश के मंडला में मोचा ग्राम पंचायत में बने अमृत सरोवर के बारे में भी आपको बताना चाहता हूं। ये अमृत सरोवर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के पास बना है और इसे इस इलाके की सुंदरता को और बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में नवनिर्मित शहीद भगत सिंह अमृत सरोवर भी लोगों को काफी आकर्षित कर रहा है। यहां की निवारी ग्राम पंचायत में बना यह सरोवर 4 एकड़ में फैला हुआ है। सरोवर के किनारे हुआ वृक्षारोपण इसकी शोभा को बढ़ा रहा है। सरोवर के पास लगे 35 फीट ऊंचे तिरंगे को देखने के लिए भी दूर दूर से लोग आ रहे हैं। अमृत सरोवर का यह अभियान कर्नाटका में भी जोरों पर चल रहा है। यहां के बागलकोट जिले के बिल्केरूर गांव में लोगों ने बहुत सुंदर अमृत सरोवर बनाया है। दरअसल इस क्षेत्र में पहाड़ से निकले पानी की वजह से लोगों को बहुत मुश्किल होती थी, किसानों और उनकी फसलों को भी नुकसान पहुंचता था। अमृत सरोवर बनाने के लिए गांव के लोग सारा पानी चैनलाइज करके एक तरफ ले आए। इससे इलाके में बाढ़ की समस्या भी दूर हो गई। अमृत सरोवर अभियान हमारी आज की अनेक समस्याओं का समाधान तो करता ही है, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उतना ही आवश्यक है। इस अभियान के तहत कई जगहों पर पुराने जलाशयों का भी कायाकल्प किया जा रहा है। अमृत सरोवर का उपयोग पशुओं की प्यास बुझाने के साथ ही खेती किसानी के लिए भी हो रहा है। इन तालाबों की वजह से आसपास के क्षेत्रों का ग्राउंड वाटर टेबल बढ़ा है, वहीं इनके चारों ओर हरियाली भी बढ़ रही है। इतना ही नहीं, कई जगह लोग अमृत सरोवर में मछली पालन की तैयारियों में भी जुटे हैं। मेरा आप सभी से और खासकर मेरे युवा साथियों से आग्रह है कि आप अमृत सरोवर अभियान में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और जल संचय और जल संरक्षण के इन प्रयासों को
पूरी से पूरी ताकत दें, उसको आगे बढ़ाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, असम के बोंगाई गांव में एक दिलचस्प परियोजना चलाई जा रही है, प्रोजेक्ट संपूर्णा। इस प्रोजेक्ट का मकसद है कुपोषण के खिलाफ लड़ाई, और इस लड़ाई का तरीका भी बहुत यूनिक है। इसके तहत किसी आंगनवाड़ी केंद्र के एक स्वस्थ बच्चे की मां एक कुपोषित बच्चे की मां से हर सप्ताह मिलती है और पोषण से संबंधित सारी जानकारियों पर चर्चा करती है। यानी एक मां दूसरी मां की मित्र बन उसकी मदद करती है, उसे सीख देती है। इस प्रोजेक्ट की मदद से इस क्षेत्र में एक साल में 90% से ज्यादा बच्चों में कुपोषण दूर हुआ है। आप कल्पना कर सकते हैं क्या कुपोषण दूर करने में गीत संगीत और भजन का भी इस्तेमाल हो सकता है। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में मेरा बच्चा अभियान, इस मेरा बच्चा अभियान में इसका सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया। इसके तहत जिले में भजन कीर्तन आयोजित हुए, जिसमें पोषण गुरु कहलाने वाले शिक्षकों को बुलाया गया। एक मटका कार्यक्रम भी हुआ, इसमें महिलाएं आंगनवाड़ी के लिए मुट्ठी भर अनाज लेकर आती हैं और इसी अनाज से शनिवार को बाल भोज का आयोजन होता है। इससे आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ने के साथ ही कुपोषण भी कम हुआ है। कुपोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक यूनिक अभियान झारखंड में भी चल रहा है। झारखंड के गिरिडीह में सांप सीढ़ी का एक गेम तैयार किया गया है। खेल खेल में बच्चे अच्छी और खराब आदतों के बारे में सीखते हैं। साथियों, कुपोषण से जुड़े इतने सारे अभिनव प्रयोगों के बारे में मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम सबको भी आने वाले महीने में इस अभियान से जुड़ना है। सितंबर का महीना त्योहारों के साथ साथ पोषण से जुड़े बड़े अभियान को भी समर्पित है। हम हर साल 1 से 30 सितंबर के बीच पोषण माह मनाते हैं। कुपोषण के खिलाफ पूरे देश में अनेक क्रिएटिव और डाइवर्स एफर्ट्स किए जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल और जन भागीदारी भी पोषण अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बना है। देश में लाखों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल डिवाइस देने से लेकर आंगनवाड़ी सेवाओं की पहुंच को मॉनिटर करने के लिए तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची मन की बात कार्यक्रम सुरू आहे, त्याचे अपडेट्स आपण पाहणार आहोत। एक छोटासा ब्रेक घेऊन